बट अगर कोई आप में से जेन्युइनली होगा और उसके पास मेरा पर्सनल नंबर गलती से कहीं से आ गया है तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे करेगा। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज कीर्ति मेहरा एंड यू आर वाचिंग ऑब्वियसली कीर्ति मेहरा विद अनदर वीडियो। सो आज ऐसा कुछ है नहीं, आज बस ये कि मैंने ऐसे न्यू हेयर कट कराया छोटे, मतलब मैं ट्रिम करवा रही थी, मैंने उन्हें बोला था ज्यादा लेंथ कम मत करना बट उन्होंने कर दी। ऐसे जाने की जरूरत नहीं, इधर आओ वापस। अप मीट माय हेलो रशियन, एक सेकंड पीछे जाओ, मैं छोटी लग रही हूँ। हाँ यस, और कुछ बस हैप्पी होली, हैप्पी होली। चलो अब निकल। ने कर दिया बट ये अच्छे लग रहे हैं, जेन्युइनली अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। और अभी हम प्लान कर रहे हैं, मतलब कल 7th है जब आप ये व्लॉग देख रहे हो, तो हमारे ऑफिस में से बहुत बड़ा ऐसे होली पार्टी की प्लानिंग हो रही है और हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सी पार्टी में जाना है, कि क्योंकि मैंने तो होली खेलनी छोड़ दी, आप लोगों को पता होगा, जबकि मेरा होली फेवरेट फेस्टिवल था। बट ऑब्वियसली पर्सनल रीज़न होते हैं सबके ना खेलने के और मैं अब नहीं खेलती, बट ये सब लोग मेरे को फोर्स कर रहे हैं और ऐसे भाई की बहन की सबकी ऐसे कस्में दे दी हैं, तो देखती हूँ मैं शायद जाऊँगी और जो भी होगा मैं वहाँ पे दिखा दूँगी। घर पे तो नहीं मनाऊँगी, वहाँ पे भी नहीं मनाऊँगी, ऐसे नॉर्मल टीका लगवा लूँगी, बट अभी जो प्लान हो रहा है ना वो बहुत अच्छा हो रहा है। और आज मैं व्लॉग करना शूट भूल गई थी, फिर मेरे को एकदम से याद दिलाया पीयूष ने कि कीर्ति आज का व्लॉग भूल गई। गाइस प्लीज़ मेरे को मैसेज करके याद दिला देगा, और दीदी व्लॉग शूट कर लो आप भूल गए, मतलब कर दिया करो। तो अभी करते हैं होली पार्टी की थोड़ी प्लानिंग, और उसके बाद एक कार का ये अपडेट है कि उन्होंने मेरी कार एक हफ्ते के लिए और रख ली है, सब कुछ ठीक हो गया, डेंटिंग पेंटिंग और बम्पर वगैरह, बट उन्होंने बोला कि बीच में होली है तो आपको थोड़ा सा टाइम और लगेगा। बोल क्या बोली, आना था ना, देखो आज कौन सी टी शर्ट पहनी है तूने, आज ट्रेविस स्कॉट। क्या मतलब है इसका, ट्रेविस स्कॉट का मतलब होगा भाई, ट्रेविस स्कॉट एक बंदा फुटबॉल का, बास्केटबॉल का प्लेयर है। हाँ भाई, आर यू क्रेजी, ट्रेविस स्कॉट एक वही तो है, बास्केटबॉल का प्लेयर ही तो है। तो तू अब मेरे व्लॉग में ना डेली एक ये बांध ले कि तू डेली मेरे व्लॉग में आएगा और उल्टी सीधी टी शर्ट पहन के आएगा, फिर उनका मतलब बताएगा, ठीक है। प्लेबॉय का तो सबको पता है, निर्वाणा का तू बता चुका, अब ये तीसरी और है। जय श्री राम बल। आ गया मजा, आ गया मजा, गुड बॉय। अरे कीर्ति, अरे अरे कीर्ति, कल क्या है, होली, होली पार्टी, मैं वही बता रही हूँ। नहीं क्यों, मतलब मैं आ रही हूँ बट मैं सोच रही हूँ मैं खेलूंगी नहीं तो फिर मेरा क्या पॉइंट है, बहुत झूठी है। कैबिन में बता इतना क्या कर, मैं नहीं आ रही भाई, मैं आ रही हूँ ऑफिस। मैंने वही उसी वजह से बोला कि मैं खेलती नहीं हूँ तो मैं क्या करूंगी जाके, क्यों नहीं खेलती। एक बार मेरा प्लान था बाहर जाने का होली पे, तूने खुद ही बताया था कि तू बाहर जा रही है होली पे, सबको अलग अलग बहाने दे। मोरल ऑफ द स्टोरीज, आप आ रहे हो, एग्जैक्टली आ जाना, क्या दिक्कत है, बढ़िया एंजॉय एंजॉय करके रंगी लगेंगे, तेरी त्वचा वैसे भी नहीं खराब हो रही, कोई टेंशन मत ले, सूखे रंगी लगाएंगे वो लोग। चल अब जा, कुत्ता होंगे शू कर रही है, कर चल अब जा, शू 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 शू, हम दोनों ही। होली के क्या प्लान है, नो प्लान्स, ऑफिस आऊंगी तेरे साथ। होली के प्लान्स, सोनाली, ओ सोनाली, सोनाली ठीक है, बीकानेर पे, कहाँ पे, बीकानेर पे, दिन में पापड़ी चाट, रात को डिनर, नहीं बहुत अच्छे प्लान है तुम्हारे, ठीक है, भुजिया खाने चलेंगे, एकदम चाशनी मिलती है, की तो ट्रीट है, मेरा हो गया भाई, सैटरडे को मेरा हो गया, भुजिया डेट पे तो जा ही सकते हैं। मैं कल तेरे को पूरे व्लॉग में ढूंढ रही थी कि हिमांशी को मेरा इंट्रो मैंने गोवा में याद कराया था वो बोलेगी, और तू थी नहीं कैबिन में, बोल के बता, और गाइज मुझे पता है लास्ट वाले व्लॉग में क्वालिटी बहुत बुरी थी, बहुत बुरी, मुझे समझ नहीं आया था कि वो कैसे रिकॉर्ड हुई है या कैसे मैंने अपलोड कर दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट, ग्रह कलेश टाइम। प्याज दे दो, प्याज, इसने अभी इतनी बुरी गाली दी है ना, इतनी बुरी गाली है, देखो मैं खाना खा रही थी, ये मेरी पक्की पक्की बात है, मैं डाइटिशियन होगी मेरी, क्योंकि
उनको पता नहीं है कि मैंने चावल खा लिया, और मैं चावल की बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे को चावल मतलब दिन रात सुबह शाम जब मर्जी चावल खिला लो। और मैं घर पे आई थी बहुत दिनों बाद ऐसे ऑफिस का सब काम करके, सब सेटअप करके, तो मेरे को लगा मैं चावल खा लेती हूँ। मम्मी ने भी चावल बनाए थे क्योंकि उन्हें पता था मेरे को चावल बहुत पसंद है। ये क्या होता है, तो मेरे फ़ोन को कभी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी कभी डाउन हो जाएगी। ठीक है, मैंने थोड़े से चावल खा लिए हैं। और फ्रेंड है जो अंडमान गए थे, और मेरे को ना फ्रिज मैग्नेट इकट्ठे करने का बहुत ज़्यादा शौक है। मेरे फ्रिज पे काफ़ी सारे मैग्नेट्स लगे हुए हैं, चाहे मैं उन जगहों पे गई हूँ या ना गई हूँ। आधे तो पता नहीं मिल नहीं रहे क्योंकि घर में काम चल रहा है, पता नहीं आधी चीज़ें कहाँ हैं, बट कुछ कुछ लगे हुए हैं वो मैं दिखाती हूँ। और ये वो लेके आए हैं, ये अंडमान का, ये देखो मिट्टी हिल रही है, बहुत बहुत क्यूट है। अभी फ्रिज पे लगाती हूँ, एक सेकंड, मेरे फ्रेंड का फ़ोन आ रहा है, रुको। ये लद्दाख गोवा ट्रैवल वाइब्स गोवा। ओके, इसके अंदर कुछ है, अभी दिखेगा। अरे कहाँ गया भाई, मेरी मम्मी कसम इसमें कुछ था और वो मिट्टी में खो गया है। ये रहा, ये देखो, है ना, मैं कहता ना मैं झूठ नहीं बोलती। अब वो अंदर खो गया, बट चलो कोई नहीं, ये इसको लगा देते हैं। गाइस, एक दो दिन से ना मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरे पर्सनल नंबर पे कोई फ़ोन कर रहा है और वो फ़ोन मैं उठाती हूँ तो वो कहते हैं कि मैं आपका फ़ैन बोल रहा हूँ। बट मेरे को ऐसा लगता है, आप लोग भी ये बताना कि अगर कोई फ़ैन होता है, जैसे मैं फ़ैन नहीं बोलती हूँ, मैं फैमिली ही बोलती हूँ आप लोगों को, बट अगर कोई आप में से जेन्युइनली होगा और उसके पास मेरा पर्सनल नंबर गलती से कहीं से आ गया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे करेगा। वो फ़ोन करते हैं, मैं उन्हें कहती हूँ आप मेरे को DM कर लो, आप मेरे को कहीं पर भी मैसेज कर लो, बट फ़ोन नंबर पर डायरेक्ट कॉल करना बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाता है। और मैं सारे नंबर ब्लॉक भी नहीं कर सकती हूँ, मतलब बहुत फ़ोन आएंगे तो फिर मैं सबको ब्लॉक करूँगी। तो मेरे को लगता है थोड़ा सा एक स्पेस मेंटेन करना चाहिए कि ये नहीं करेंगे तो ठीक है, फिर मेरे को नया नंबर लेना पड़ेगा। वो मैं चाहती नहीं हूँ क्योंकि ये मेरा नंबर बहुत पुराना है, मेरे पापा ने मुझे दिलाया था। तो प्लीज़ ऐसा मत करो कि अगर साथ की वैसे किसी के भी साथ मत करो अगर नंबर गलती से दिख रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है। प्लीज़ आप सब लोगों को अपनी फेवरेट ड्रिंक दिखाती हूँ, किसी की मतलब कोई फेवरेट होती है, किसी की कोई फेवरेट होती है। मेरी फेवरेट ड्रिंक है ये, वाइन नहीं है, ये कांजी है। बहुत टेस्टी, इसके अंदर गाजर है, गाजर के पीसेस मेरे को बहुत पसंद है, तो मम्मी की एक फ्रेंड ने बना के भेजी है। एंड आप लोग में से किस किस को पता है कि कांजी जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना।